अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये चीज ध्यान रखो, परमेश्वर पहले आपको देता है तब परमेश्वर आपसे लेता है। ये चीज याद रखो, परमेश्वर पहले आपसे लेगा नहीं, परमेश्वर पहले आपको देगा। परमेश्वर आपको पहले देगा, उसने कहा कि मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। एवन हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि हन्ना जब परमेश्वर के भवन से बाहर निकली थी उससे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतर आई थी कि वो एक बेबी को कंसीव कर पाए, उस स्त्री के साथ कैसा है कि उसने 9 महीने एक भविष्यवक्ता को अपने पेट में रखा है और वो भविष्यवक्ता बाद में इज़राइल के राजा दाऊद का अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। सोच के देखो आप कि परमेश्वर कहां से कैसे किसको तैयार कर रहा है। अगर आप अपने जीवन में निराश है, बाइबल में लिखा है यशे की खूंट में से हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता निकलेगा, वो संसार का उद्धार करता निकलेगा। लिखा है कि 114,000 लोग को मैंने पहाड़ पर खड़े हुए देखा, वो श्वेत वस्त्रों को पहने हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला प्रियो। अगर आज आप यहाँ समस्याओं से गए हुए हैं, परेशानी से गए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ वाचाएं बांधो। बाइबल में यह लिखा है कि तू जल्दबाजी में मन्नत मत मांगना। बहुत लोग जल्दबाजी में मन्नत मांग लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर परेशान होते हैं। जल्दबाजी में नहीं, लेकिन जो तू अपने मन में ठाने उसे तू पूरा कर। जब हम मन में ठानते हैं तो परमेश्वर के लिए जब पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आपके जीवन में कुछ भी है उसको परमेश्वर के लिए समर्पित कीजिए, उसको परमेश्वर के लिए बोएं। वो व्यक्ति कभी भी करीबी से कर्जों से बाहर नहीं निकल सकता जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बो नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर उसको देने वाला है, जो परमेश्वर उसको दे चुका है वो परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर उस वाचा को पूरा करता है कि हाँ मेरे परमेश्वर जो तूने मुझे दिया वो मैं तुझे लौटा रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि इसको बढ़ाओ, परमेश्वर कह रहा है इसको इंक्रीज करो, परमेश्वर कह रहा है इसको और अधिक प्लस करो, क्योंकि इसने अपनी वाचा को स्मरण करा, अब मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। आकाश के झरोखों को खोल दिया जाए। मलाकी की किताब 3 अध्याय में लिखा है यदि कोई अपने दशमांशों को परमेश्वर के लिए बोता है तो आकाश के झरोखे उसके लिए खोले जाए और परमेश्वर ब्लेस करता है, उसको आशीष करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चर्च अपने हाथ को उठाओ, अपने सालों पर खड़े होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। उसे बाहर नहीं निकल सकता जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए वो नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर उसको देने वाला है, जो परमेश्वर उसको दे चुका है वो परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया।
और जब वो परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर उस वाचा को पूरा करता है कि हाँ मेरे परमेश्वर जो तुमने मुझे दिया वो मैं तुझे लौटा रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि इसको बढ़ाओ, परमेश्वर कह रहा है इसको इंक्रीज करो, परमेश्वर कह रहा है इसको और अधिक प्लस करो, क्योंकि इसने अपनी वाचा को स्मरण करा, अब मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। आकाश के झरोखों को खोल दिया जाए, मलाकी की किताब तीसरे अध्याय में लिखा है यदि कोई अपने दशमांशों को परमेश्वर के लिए बोता है तो आकाश के झरोखे उसके लिए खोले जाए और परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, उसको आशीष करता है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। चर्च अपने हाथ को उठाओ, अपने सारों पर खड़े होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने